आज मैं हूं शिषपाल और आप लोग देख रहे हैं शिषपाल व्लॉग चैनल। तो अभी हम लोग आ चुके हैं बोकारो के जगन्नाथ मंदिर में, जैसा कि पीछे आप लोग देख रहे हैं। और यहां पे कल का जो है वो तैयारी हो रहा है रथ यात्रा का, तो आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। देखिए पीछे पंडाल बना हुआ है और इधर साइड में भी पंडाल बन रहा है और कल का तैयारी चल रहा है रथ यात्रा का। और इधर साइड में जो है ये पार्किंग है बाइक पार्किंग के लिए और इधर साइड में जो है वो कार पार्किंग के लिए है। बहुत ही सुंदर ये मंदिर है, आप लोग एक बार दर्शन करने जरूर आएं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। देखिए हमारे पास में है जॉन काटर, इसका यूट्यूब चैनल जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये बहुत ही फनी वीडियो डालते रहता है। तो ब्लॉग में ये यहाँ का बाइक स्टैंड है, ये देखिए इधर साइड में शूज रखने के लिए बनाया गया है और इधर साइड में है ये मंदिर का गेट और इधर साइड में कल का तैयारी हो रहा है रथ यात्रा का। और आपको चलिए अंदर मंदिर के अंदर में भी दिखाते हैं, वीडियो में बने रहें। बाहर से कितना सुंदर ये मंदिर बनाया गया है और साथ में ये पार्क भी बनाया गया है छोटा सा, जो अंदर में घूम सकते हैं हम लोग। और बहुत ही सुंदर ये नज़ारा है यहाँ पे। और आप लोग से भी मतलब ये है कि आप भी जरूर आएं यहाँ पे इस मंदिर को देखने के लिए। तो वीडियो को अंत तक देखें और बहुत ही मज़ा आने वाला है वीडियो में। यहाँ पे सभी भगवानों का मंदिर बनाया गया है यहाँ पे। बहुत ही सुंदर ये मंदिर है जगन्नाथ मंदिर।
आप लोग भी जरूर आए। ये बोकारो के सेक्टर 4 में है, जस्ट नेहरू पार्क के अपोजिट में। यहाँ पे आप लोग भी जरूर। थक गया है बिल्कुल। ये देखिए यहाँ पे सरोवर टाइप का बनाया हुआ है और इसमें बहुत सारा मछली भी है, आपको दिखाएंगे, वीडियो में बने रहे। तो ये मंदिर कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताएं और एक बार जरूर आप आएं इस मंदिर में और दर्शन भी करें। और साथ में यहाँ पे जो खूबसूरत सा पार्क बनाया गया है उसका भी आनंद उठाएंगे। चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।